और देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने घाटशिला के बुरुडी डैम का निरीक्षण किया है और वृक्षारोपण भी किया। मौके पर उन्होंने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत के दौरान बताया कि बुरुडी डैम को बेहतर बनाने के लिए जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। सीएम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रभात कुमार ने। सोरेन जो आज घाटशिला को लगभग 117 करोड़ की योजनाओं का सौगात दिए हैं, सर हमारे साथ है। सर, आप बुरुडी डैम भी गए, वहाँ आपने निरीक्षण भी किया, तो क्या योजना बना रहे सर? आपने मन से घोषणा भी की, डैम बहुत अच्छा जगह है, अच्छा पर्यटन स्थल बनेगा और इसीलिए हम वहाँ देखने गया और उसका बाद वहाँ काम शुरू होगा। उसका साथ इस क्षेत्र जब आए हैं, परिसंपत्ति वितरण हुआ, कुछ शिलान्यास किया, कुछ उद्घाटन किया और समाज के साथ भी उनका विचार में भी हम शामिल हुए। बुरुड डैम तो आपने कहा कि बहुत पहले से बना हुआ है लेकिन उसका विकास नहीं हो रहा था, लेकिन आप आए हैं आज देखें, तो किस तरीके से उसका विकसित? बहुत अच्छा विकास होगा, वो सारा चीज हम लोग आप लोग बहुत जल्दी से काम शुरू हो जाएगा वहाँ, ये बहुत अच्छा बनेगा वहाँ। आदमी लोग ऐसे ही जाते हैं वहाँ, उसको इतना सुंदर हम लोग बना देंगे ताकि आदमी लोग आते रहते हैं, कभी कभी अपना परिवार के साथ आनंद लेंगे, अच्छा पर्यटन स्थल बनेगा। घाटशिला में जहाँ परिसंपत्ति का वितरण, वहाँ पे काफी लोगों में काफी उत्साह था, तो काम हम लोग कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुँचा रहे हैं योजना को। तो ये थे राज्य के मुख्यमंत्री जो कह रहे थे कि अंतिम व्यक्ति तक राज्य की जो विकास योजनाएं हैं उसको हम लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के निमित्त आज घाटशिला में भी ये 117 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का वितरण आज संपत्ति शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। निश्चित तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री लगातार विकास कार्यों में लगे हुए हैं और उसी के निमित्त आज एक बड़ी सौगात घाटशिला प्रमंडल को दिया गया। सही अनवर के साथ प्रभात, न्यूज 11 भारत, घाटशिला। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।